बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को सिद्धार्थ रॉय कपूर ने स्पेस ड्रामा फिल्म सारे जहां से अच्छा ऑफर की थी। अब खबरें आई है कि सलमान खान ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी है और उसकी जगह उन्होंने दूसरी फिल्म गन्स ऑफ नॉर्थ को चूज किया है, जिसमें उनके ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा भी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान खान एंड सिद्धार्थ रॉय कपूर मेट अराउंड इन फेब्रवरी टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। सलमान हर्ड द नरेशन एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द स्क्रिप्ट। This was a time when coronavirus disease was not spread in India rapidly and the lockdown was unheard of. Salman was to complete Radhe, Your Most Wanted Bhai then and had dates free till October-November, which is when he was about to start filming for Fahad Samji's Kabhi Eid Kabhi Diwali, so he had his dates free for almost 6 months. Moreover, Sare Jahan Se Achha team were fully prepared and ready to go on floors immediately. सलमान ने फिर भी फिल्म करने से अब मना कर दिया है, क्योंकि सलमान का इंटरेस्ट अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म गन्स ऑफ नॉर्थ की स्क्रिप्ट में एक सिख कैरेक्टर में आया है, जिसे वो खुद प्ले करना चाहते हैं। गन्स ऑफ नॉर्थ 2 वॉज टू गो ऑन फ्लोर्स एट द सेम टाइम एंड ही हैड टू चूज बिटवीन दिस फिल्म एंड सारे जहां से अच्छा। ही चोज गन्स ऑफ नॉर्थ एज इट्स एन एक्शन पैक्ड रोल विच इवन हिज फैंस वुड लैप इट अप। Also, Salman is aware that a few years later, he might not be able to do such roles. Hence, he chose to act in Ayush Sharma's next Guns of North. 2018 की मराठी फिल्म मुल्शी पैटर्न का ऑफिशियल रीमेक है। वहीं सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा की लाइफ पर बेस्ड है, जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जो स्पेस में गए थे। ये फिल्म पहले भी बहुत एक्टर्स को ऑफर की गई है, जैसे विक्की कौशल, शाहरुख खान, आमिर खान और रणबीर कपूर, और सभी के साथ इस फिल्म को लेकर बात बन नहीं पाई है।